तो फिर हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हमने अलग अलग तरह के यहाँ पर शेप्स के बारे में वीडियो बनाया था, पिक्चर पिक्चर्स और टेबल रिपोर्ट वगैरह। साथ ही साथ मैंने डिज़ाइन रिपोर्ट भी बनाया था, यहाँ पर वाटरमार्क क्या होता है वो भी बताया था मैंने आपको। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि एक और हमने फाइल बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाटरमार्क फाइल के थ्रू मैं समझाया था। आज हमें जो सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो मेलिंग के बारे में, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर किस तरह से हमें मेलिंग करनी होती है, ये सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। तो मैंने डिज़ाइन के बारे में बताया था, तो पिछले वीडियो के अंदर वाटरमार्क क्या होता है, पेज का कलर क्या होता है, इसकी बॉर्डर्स क्या होती है, ये भी बताया मैंने आपको। ओके, तो आज हम मेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, मेलिंग क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है। इसका बहुत ही यूज़ होता है जहाँ पर आप बहुत ही आपका काम लोड वाला होता है या फिर आपका ज़्यादा काम होता है। ज़्यादातर कंपनी के एम्प्लॉयज लोग, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज लोग, कुछ प्राइवेट कंपनीज जो होती है, वो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज जो होती हैं यहाँ पर अपना मेलिंग का काम करती, मतलब मेल करना, मतलब ईमेल भेजना। तो ये मेलिंग्स का ये टैब एप्लीकेशन के अंदर पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंदर से ही स्टार्ट है। यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट 2007 था उसी के अंदर ही मेलिंग सिस्टम ऐड की गई थी, तब से लेकर आज तक इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग भी किया गया है यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मेलिंग क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मेलिंग समझ लेते हैं। अगर आपको मेलिंग करना है, आपके पास टाइम बहुत ही कम है और लेटर बहुत सारे आपको एक ही भेजने हैं, एक ही डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो किस तरह से भेजोगे यहाँ पर? या हज़ार कॉपी हो, जितनी भी कॉपी करना चाहते हो, जितनी भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी ज़रूरत के अनुसार आप क्या कर सकते हो, मेलिंग कर सकते हो यहाँ पर। तो मेलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि हमारा जो लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट का मतलब होता है कि जिसके आपके सिस्टम के अंदर आपको भेजना है, जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर का ये मेल को मैं बनाता हूँ यहाँ पर, लेटर बनाता हूँ या डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, तो जिनको भेजना है उनको टोटली हमारे पास क्या होना चाहिए, इसकी लिस्ट होनी चाहिए। तो अलग 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 यहाँ पर कंपनीज जो होती है वो अपनी कंपनीज के एम्प्लॉयज या फिर कस्टमर्स या तो फिर आप यू का डिपार्टमेंट कोई भी हो, उसका कुछ उसका लिस्ट होता है, डिटेल का जो लिस्ट होता है यहाँ पर। तो जो डिटेल जो होती है अलग अलग तरीके से काम करती है यहाँ पर। तो पहले हमें मेल का मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट से हज़ार, मतलब 100 से 200, 300 लोगों को या फिर जरूरत हो इतना आपको मेल लेटर के अंदर भेजते हैं और भेज सकते हो आप यहाँ पर। ओके, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट मेल बॉक्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ये ऑप्शंस वगैरह दे सकते हैं यहाँ पर, ये अभी एक्टिव नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने कोई मेल स्टार्ट ही नहीं किया,
तो मेल को स्टार्ट करना है। मैं चाहता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप समझे, क्योंकि आप नए हो। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट मैंने लेटर कर दिया तो लेटर में आएगा, फिर मैं एंटर करूँगा, फिर उसके अंदर एंटर करना है आपको एम्प्लॉयज वगैरह, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेलिंग मर्ज वर्ड विजार्ड हमारा ओपन होता है। तो मेलिंग मर्ज का ये विजार्ड होता है यहाँ पर। विजार्ड का मतलब होता है कि ऐसा एक अलग से विंडो ओपन होता है यहाँ पर, जो हमें कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड करता है यहाँ पर। तो आपको वही ऑप्शंस मिलेगी जो यहाँ पर ऑप्शंस होती है यहाँ पर। ओके, तो जैसे तो छोटा सा एक हमारा विजार्ड ओपन हुआ है। तो हमारा टोटल जो 6 स्टेप के अंदर हमारा मेलिंग का काम होता है, मेल को भेजने का, मतलब एक से ज़्यादा कॉपी करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेलिंग टैग बहुत ही काम आता है यहाँ पर। तो ध्यान से देखो कि हमारा लेटर के अंदर आपको भेजना है, ईमेल के अंदर भेजना है, या फिर कि कौन से टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। तो 5 तरह का यहाँ पर डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। एक तो लेटर है यहाँ पर, जो आप लेटर लिखते हैं वो सिंपल ईमेल मैसेज, मतलब अगर आपने ईमेल लिखा तो ईमेल के अंदर कोई मैसेज है यहाँ पर। और यहाँ पर एनवेलप्स, यहाँ पर अगर भेजना है लेबल्स से, कुछ लेबल्स क्रिएट किए आपने, या फिर आपने डायरेक्ट ही यहाँ पर एंटर किए, या कोई फोल्डर एंटर किया है, तो आप इस तरह से नेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम लेटर लिखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, तो मैंने लेटर सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और पहला स्टेप हमारा पूरा होने जा रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो हमारा जो है लेटर कम्प्लीट। अभी नए वक्त की हमने लेटर लिखा ही नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर कि यूज द करंट डॉक्यूमेंट। तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट जो है अभी मेरा, जो ये डॉक्यूमेंट हमारा ब्लैंक पेज है, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं, तो इसको कहते हैं करंट डॉक्यूमेंट। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो रेडीमेड सैंपल होते हैं उसके थ्रू आपको बनाना है या फिर, तो इसको आप यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। तो आप जो रेडीमेड होते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हो। और दूसरा होता है, और उसके तीसरा जो होता है स्टार्ट फ्रॉम एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब पहले से आपने डॉक्यूमेंट बनाकर रखा हुआ है तो आप एंटर कर सकते हो। तो मैं पहले से डॉक्यूमेंट बनाकर रखा हुआ हूँ, तो तीसरा बटन सेलेक्ट करूँगा, ओपन पर क्लिक करूँगा। हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ वाटरमार्क फाइल करके बनाई थी, हमने यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाटरमार्क फाइल, वही मैं फाइल ओपन करने जा रहा हूँ। देख सकते हो कि मैंने वो फाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पर। ओके, तो हमें ये डॉक्यूमेंट को भेजना है यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं डबल एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि हमें कुछ एंटर करना है। आप और भी एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और मैं इसको तीनों लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले, किसी भी लेटर को भेजने के लिए पहले आप अपनी अंदर कॉपी रखिए। ओके, तो मैं लेटर उसको के लिख कर दिया मैंने। ओके, और अपने डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर लिया। तो हमारा जो है लेटर आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये करंट डॉक्यूमेंट, मतलब यही डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे सेट करना, मतलब डॉक्यूमेंट चेंज होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो ब्लैंक था, इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं था। लेकिन जैसे मैंने इसको यहाँ पर, मैं पहले से कोई फाइल बनाकर रखी थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आप एंटर कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोई नई फाइल एंटर करनी है, नए फाइल एंटर करने के बाद उसके अंदर कुछ लिखना है फिर वही, तो आप करंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। तो सेकंड स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, तीसरा स्टेप आएगा हमारा, तो यूज एज एग्जिटिंग लिस्ट। ओके, तो यूज एज एग्जिटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पहले से लिस्ट आपको बनाई हुई है, जिन आपकी डॉक्यूमेंट को भेजना है, जिनको भेजना है, तो यूज एंड एग्जिटिंग लिस्ट का यूज होगा यहाँ पर। और सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, मतलब आपके आउटलुक करके एक सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जब आउटलुक पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 16 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, कि ये जो है आउटलुक करके ये हमारा क्या एक डेटा होता है यहाँ पर, इसके अंदर मेल करते हैं हम। कंपनी ज़्यादातर आउटलुक ही इस्तेमाल करती है यहाँ पर, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेल करने का, उसका मेल का जो जवाब देने का, मतलब है ज़्यादातर उसको जीमेल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। वो आउटलुक सॉफ्टवेयर स्पेशल मेल करने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए, मेल पढ़ने के लिए, उसको एडिटिंग करने के लिए, बहुत कुछ ये आउटलुक में होता है यहाँ पर। ओके, तो मैंने आउटलुक मैंने पहले आप यहाँ पर। ओके,
टाइप कर सकते हो आप यहाँ पर स्किल्स के अंदर, इसके अंदर जो पहले से आपके अंदर लिस्ट है, डिटेल है, क्योंकि तो हमारे पास ना कोई डिटेल है ना कुछ भी है, तो हम पहले से न्यू लिस्ट बनाएंगे। ओके, मेनली न्यू लिस्ट पर क्लिक कर रहा हूँ और क्रिएट करता हूँ। जिसे करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें विंडो को समझना होगा। ये जो विंडो है, एक ऐसी विंडो है जहाँ पर आप अपने सभी जितने भी अपने कस्टमर, जो कंपनी होती है, मान लो कि ये कंपनी है और अपने कस्टमर को मेल भेजना चाहती है, या तो फिर अपने आप ये कोई ऐसी एम्प्लॉय है जो अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजना चाहती है लेटर, तो क्या होता है कि उस सभी को भेजने के लिए एक लिस्ट बनानी पड़ती है। यहाँ पर तो हम कस्टमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, हमें कंपनी नेम नहीं चाहिए, या तो फिर हमें एड्रेस लाइन नहीं चाहिए, पी जी कोड वगैरह हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमें कुछ ईमेल वगैरह चाहिए। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आप कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक कीजिए और जो भी रखना है आप एंटर कर सकते हो। लिंक करना है तो लिंक कर सकते हो। हम टैग, जैसे कि हमारा टाइटल निकाल लेते हैं, हम यहाँ पर टाइटल की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट नेम की ज़रूरत है, लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, फिर हम कंपनी नेम एंटर कर सकते हैं, कंपनी नेम एंटर है, लेकिन हमें एड्रेस एंटर करना है, तो एड्रेस हम एंटर करेंगे। ओके, सिटी स्टेट वगैरह यहाँ पर एंटर, जीप कोड जैसे कि मैं एंटर कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, या फिर आप एंटर कर सकते हो अपने तरीके से। तो जीप कोड, कंट्री रीजन वगैरह तो हमें एंटर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कंट्री रीजन एंटर करना चाहते हो, जैसे कि कोई ऐसा दो तीन आदमी है जो बाहर देश की या फिर अलग देश की है, तो आप एंटर कर सकते हो। होम फोन की ज़रूरत नहीं है, हम होम फोन नहीं रखेंगे, और ईमेल एड्रेस हम लिख कर एंटर करेंगे। आप चाहते हो कि ईमेल एड्रेस रखना चाहते हो तो एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ओके करूँगा तो जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना ही मुझे मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट नेम लिखता हूँ यहाँ पर सुशांत। ओके, मैं सुशांत लिखता हूँ यहाँ पर, मैं पहला है इसको मुझे भेजना है। कंपनी का नेम लिखता हूँ जैसे कि रिलायंस लिखा मैंने। ओके, तो रिलायंस मैंने कंपनी लिखी यहाँ पर। ओके, उसके बाद लिखता हूँ एड्रेस, तो जिसका जो भी एड्रेस हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर OTP, दिल्ली, जो भी नाम लिखना, जो भी एड्रेस लिखना, देहरादून जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जो भी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिटी नहीं लिख दिया, यहाँ पर मैं जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, उसका सिटी लिख दिया, यहाँ पर उसका स्टेट जो है, यहाँ पर सिटी के अंदर जो भी हो यहाँ पर, यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर लिखूँ मुंबई लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, काम मुंबई। ओके, और महाराष्ट्र लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, महाराष्ट्र में लिख, उसके बाद में यहाँ पर लिखता हूँ कि जीप कोड जो हमारा कोड होती है, तो 3 8 5 6 6 0, इसके से लिख देता हूँ यहाँ पर। और कंट्री, और अभी कंट्री और तो हम लिखते हैं इंडिया। ओके, और वर्क फोन नंबर, या फिर हमारा वर्क फोन नंबर हम इंटर करना चाहते हो, अभी इंटर कर सकते हो वर्क फोन नंबर, जैसे कि 8 5 और 8 8 5 6 6 6, इस तरह से कोई भी आप जो हमारा डेटा जो होता है, हम इस तरह से सब संपर्क एंटर करेंगे, इसकी लिस्ट क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से रख, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है या फिर कोई भी ऐसा नाम, इसलिए आप ध्यान से यहाँ पर एंटर टाइप कीजिए अपना जो भी डेटा है, और ईमेल एड्रेस, जैसे कि ये ऐसे कोई भी मैं एंटर कर लेता हूँ, @gmail यहाँ पर .com लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये हमने ये एंटर कर लिए। ओके, और मैं ओके कर लेता हूँ। ओके, न्यू एंट्री पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, लिखता हूँ यहाँ पर विक्रम। ओके, मैं टैब बटन दबाता हूँ यहाँ पर, रिलायंस, टैब बटन दबा जा दबाते जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आपका इंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर उसका एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पर, तो लिखता हूँ यहाँ पर कोई भी HS, जो भी आप एड्रेस कर देते हैं यहाँ पर, कोई का एड्रेस लिखने के बाद में यहाँ पर लिखता हूँ महाराष्ट्र लिखता हूँ यहाँ पर, फिर से मतलब उसका सिटी नंबर जो है, तो यहाँ पर मैं गोवा लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, और कोई भी यहाँ पर महाराष्ट्र या फिर कोई भी लिखता हूँ यहाँ पर। और जी कोड यहाँ पर एंटर कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि 3 1 की यहाँ पर इस तरह से, और मैं एंटर करता हूँ इंडिया, उसके अंदर भी कंट्री। ओके,
और मैं उसका वर्क फोन नंबर यहाँ पर दे सकती हूँ कि मैं एक और भी यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। ओके, फिर ये दूसरा हमारा फ्रेंड हो गया यहाँ पर, मतलब दूसरा कोई हमारा आदमी है जो मतलब कंपनी का आदमी या कोई भी हो, फिर नेम एंटर करता हूँ फिर से यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर। ओके, फिर से उसका मैं कंपनी का नेम लिखता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर उसका एड्रेस वगैरह, एड्रेस लिख सकते हो, और यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर उसका कोई भी हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं लिखता हूँ कोई भी जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, और लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, और फिर जीप को लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, और जीप को लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर एक। ओके, और फिर इस तरह से हम एंटर करेंगे। ओके, फिर एक और हम एंट्री करते हैं यहाँ पर। ओके, ओके, और फिर यहाँ पर ओके, और ओके, फिर यहाँ पर और भी यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर एक सिटी, इसका स्टेट। ओके ओके, जीप को एंटर कर दिया मैंने। जीप को एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखना है। ओके, यहाँ पे इस तरह से। ओके, और मैं करता हूँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी लिस्ट, और ओके करता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आप जितने भी 100 150 जितने भी लोगों का आप एंटर करना चाहते हो, आपको यहाँ पर इंटेक जितने भी लोगों को भेजना है उन सबका एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। उन सभी की एंट्री ऐड करने के बाद आपको करना है ओके, तो आपको यहाँ पर एक सेव एड्रेस लिस्ट आएगी। तो अगर फ्यूचर में आपको ये लिस्ट काम में लगे, इसलिए क्या होती है हमें एंटर करनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एड्रेस लिस्ट, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर नया फोल्डर बना सकते हो डॉक्यूमेंट करके, और इसके अंदर क्या कर सकते हो सेव कर सकते हो। मान लो कि ये कंपनी है, तो ये कंपनी की एम्प्लॉय लिस्ट है, तो एम्प्लॉय लोग है कंपनी के, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय डिटेल लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर डिटेल लिस्ट कौन सी है, कॉन्टैक्ट लोग कांटेक्ट करने का, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ओके कांटेक्ट का लिस्ट है, यहाँ पर सेव कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सेव किया मैंने, तो ये सभी लोगों का यहाँ पर देख सकते कि ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर मर्ज रिसिप्ट होती है यहाँ पर, तो मेलिंग मर्ज रिसिप्ट यहाँ पर होती है, यहाँ पर सीधा जो डेटा वगैरह होता है यहाँ पर एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो 100 फिल्टर वगैरह आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर अपने तरीके से, तो रिफाइंड रिपोर्ट रिलीज वगैरह आप एंटर कर सकते हो। ओके, हो गया यहाँ पर। ओके, तो लिस्ट हमारा एंटर हो चुका है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर और भी एंटर कर सकते हो, राइट लेटर, तो राइट एटर एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, तो प्रीव्यू हो सकता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अपने तरीके से आके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो मेलिंग वगैरह जो है यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा एंटर हो चुका है यहाँ। और हमारा जो फोर्थ स्टेप है जो हमें मोर आइटम पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें लेटर तो सीट लेटर की अंदर ही हमें इसको एंटर करना है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर देख सकते हो कि हमने लेटर जो कलेक्ट कर लिया, और हमें जो आइटम किया था एड किया था डेटा को एंटर करना है, तो एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस एंटर कर सकती हो, या तो फिर आपका डेटाबेस एंटर करना है जो हमने एंटर किया था वो। पहले तो अपने सभी लेटर के ऊपर उनका नाम आना चाहिए, तो उनका नाम आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर पहले मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए। फिर कंपनी नेम आना चाहिए, तो
तुमको पता चले, तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कंपनी नेम एंटर करूँगा, इसके बाद में नाम एंटर करूँगा, फर्स्ट नेम का एड्रेस आना चाहिए, सिटी आना चाहिए, स्टेट आना चाहिए, जिप कोड, और फिर कंट्री और रीजन, फिर वर्क प्लेस और ईमेल एड्रेस। बाकी ये मैंने एंटर किया, फिर मैंने क्लोज कर दिया, तो कंपनी नेम एंटर हो चुका है। अब आपको सेटअप करना है कि किस तरह से कौन सा, देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम यहाँ पर, तो कंपनी के नीचे फर्स्ट नेम आना चाहिए, उस फर्स्ट नेम के नीचे एड्रेस आना चाहिए। ओके, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड जो है इसको और नीचे ला देता हूँ यहाँ पर। ओके, और फ़ोन नंबर जो है हमारा, इसको टैप एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर, इसको अच्छी तरह से आपको सेटअप करने के लिए। ओके, यहाँ पर वर्क फोन नंबर और कुछ वर्क फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है यहाँ पर, तो ईमेल एड्रेस भी एंटर मैंने कर दिया, और जो हमारा ये एडिंग है ये भी कंप्लीट एंटर किया है यहाँ पर। ओके, एंटर किया मैंने, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब कंपनी का नेम जो है यहाँ पे, इसका कलर जो है यहाँ पे इसका ब्लू, फिर इसका फर्स्ट नेम जो है वो ब्लैक हो जाए, मतलब जो फर्स्ट नेम जितने भी हमने फोर लोगों का हमने सेलेक्ट किया था, ब्लैक किया मैंने, मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पर, चेक करते हैं यहाँ पर, उसको ब्लैक कर देते हैं यहाँ पर। फिर ये जो एड्रेस जिप कोड वगैरह हमने एंटर किया था जो एक ही लाइन में आ जाए, और उसका कुछ और डाक करते थे यहाँ पर, उसका थोड़ा सा उसका नाम जो नंबर वगैरह है कर लेते हैं यहाँ पर, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार इसके ऊपर लिखने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए यहाँ पर। और कंट्री और रीजन वर्क वगैरह भी हम इसको छोटा कर दिया यहाँ पर। ओके, इसका ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पर इसको हम साइड पर रखते हैं यहाँ पर इसको। ओके, मतलब इसको हम राइट साइड रख देते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने जो सेटर कर लिया, तो पहला नेम जो है यहाँ पर इसको मैं चाहता हूँ कि इसको लेफ्ट साइड से दिखाऊँ, कि पहला नेम आ जाएगा यहाँ पर, लेटर है हमारा, और इसको लेटर बार बार लेटर लिखने की ज़रूरत ना पड़े, और एक ही साथ सबको ये लेटर भेज जाए यहाँ पर, तो एक ही साथ सबको भेज जाए यहाँ पर। और उसका फ़ोन नंबर जो है यहाँ पर इसको भी सेट किया, और राइट साइड में इसको डाल लेता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो है एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ इस तरह से राइट साइड, और इसको मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ यहाँ पर। हो चुका है यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली लेटर तैयार हो चुका है यहाँ पर। अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं यहाँ पर, देख सकते हो सुशांत करके यहाँ पर रिलायंस आ चुका है यहाँ पर, उसका एड्रेस आ रहा है यहाँ पर, उसकी कंट्री आ रही है यहाँ पर, उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर आ रहा है, और यहाँ पे इसका जीमेल आईडी आ रहा है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा हमारा एक लेटर तैयार हो चुका है यहाँ पर। ओके, और ये सिर्फ सिंगल ही बताया कि जबकि हमने चार लोगों के नाम एंटर किए थे। ओके, तो सुशांत करके यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, तो चाहते हो कि आप पूरा एंटर करें यहाँ पर, देख सकते हो कि जितने चार लोगों के एंटर नाम किए थे, सुशांत है यहाँ पर वगैरह, अगर तो यहाँ पर फर्स्ट नेम वगैरह यहाँ पर सुशांत, विक्रम, अजय, ये सब की एंटर किस तरह से नाम करने होंगे, तो आपको नेक्स्ट पर करेंगे। और इंडिविजुअल प्लेन पर यहाँ पर देख सकते कि एडिट इंडिविजुअल एवी लूपर्स, मतलब सभी के ऊपर, तो मैं जैसे ऑल पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा करंट रिकॉर्ड, मतलब जिसके अंदर रिकॉर्ड में होगा वही बताएगा, और फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक, मतलब मान लो कि ये जो है यहाँ पर मेरा, मतलब मैंने जो ऑफिस प्रीवियस कर लेता हूँ यहाँ पर पहले, मतलब मुझे यहाँ पर विक्रम से अजय तक, यहाँ पर विक्रम करके यहाँ पर है, वहाँ तक का ही मुझे लेटर टाइप करना है सुशांत को छोड़कर, तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। उसका ऑप्शन कौन सा है, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल में
आपको कहाँ से कहाँ तक रखना है, तो उसका नंबर होगा आपके पास। ओके, तो नंबर वो कौन सा होगा, तो आपको नंबर के पीछे जाना है। आपको ये जो एग्जिटिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड जो होता है यहाँ पर, जैसे तो ये इंप्लॉय होता है। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट रिसीप, सेकंड रिसीप, जैसे तो सभी का वही बता रहा है यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, और एक्सीक्यूशन रिसीप जो वगैरह बता रहा है वो एक्सीक्यूशन कर रहा है यहाँ पर। ओके ओके, तो ये सेकंड हमारा फर्स्ट लेटर ही यहाँ पर, मतलब हमारा जो सिस्टम है वही ये बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरीके मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके कर लेता हूँ, सब लोग आ गए। नेक्स्ट करूँगा, मुझे सबके ऊपर मुझे लेटर चाहिए, तो मैं ऑल पर क्लिक करके ओके करूँगा। तो देख सकते हो कि एक सुशांत है, उसको पहला लेटर मेरे को लेटर मिल गया। दूसरा विक्रम है, उसको लेटर मिल गया, वही सेम है, देख सकते हो। तीसरा लेटर है, वो भी मिल गया अजय को। ओके, तो चौथा लेटर है, सबको लेटर अपने अपने तरीके से क्या हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे। तो इसका क्या करना है आपको, मेलिंग में जाने के बाद इसको मेल के अंदर अटैच करना है और सेट हो जाएगा। ओके, तो फिनिश मर्ज इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने फिर से आपको बताया, यहाँ पर मेलिंग पर किया, मर्ज किया मैंने इसको, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 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 किया हमने, जो हमारी डेटा की फाइल थी, जो रिकॉर्ड जो हमने एंटर किया, फिर से वही फाइल हमने ओपन किया यहाँ पर। ओके किया, ओके ओके किया, नेक्स्ट मैंने किया, ओके नेक्स्ट मैंने किया, सब कुछ। तो ये सब कुछ हमारा हो गया यहाँ पर। ओके, अब इस लेटर को क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। ओके, मुझे बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर से सब कुछ मुझे कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके, डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा टाइम भी बच जाए, उसका मोबाइल नंबर भी एंटर हो जाए। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमें जो है एक हमें सर्विस मिलती है यहाँ पर। ओके, तो ये आपको पता चल गया होगा। ओके, तो मैं आपको समझा दिया मेलिंग के बारे में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिनिश पर करेंगे इंडिविजुअल। ये अब फिनिश हो चुका है, तो उसको सेंड ईमेल मैसेज में जाएंगे। ओके, सेंड ईमेल कर सकते हैं यहाँ पर, जिन जिन लोगों को भेजना है आपको इसको ईमेल में डाल दीजिए। जैसे कंपनी स्टेट वगैरह जो भी है, कंपनी नेम वगैरह यहाँ पर, तो ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हो, टू ईमेल एड्रेस वगैरह, तो आप अपने तरीके से भी एंटर कर सकते हो। या तो फिर इसका डायरेक्ट सीधा आपका प्रिंट निकाल सकते हो यहाँ पर। ओके, बार बार इसका कोई आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रिंट निकाल के भी आप लेटर भेज सकते हो। अब बात करते हैं ईमेल के अंदर। तो ईमेल के अंदर क्या होता है कि ईमेल मैसेज किया मैंने, ईमेल की तरह बताएगा, जैसे तो ईमेल की तरह दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके, ईमेल है यहाँ पर, अब हमने ईमेल तो एंटर कर लिया, मैंने स्टेप बाय स्टेप के अंदर किस तरह से होगा, ईमेल के अंदर डालता हूँ यहाँ पर पहले इसको, मैं हम ईमेल के अंदर डाल लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम, तो वही डॉक्यूमेंट फिर ईमेल है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट किया, फिर हमें लिस्ट है, तो मैं जो पहले से लिस्ट है वही मैं एंटर करूँ। फिर मुझे बता रहे हैं यहाँ पर, और जैसे तो सभी के मुझे मेल बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये मेल होता है यहाँ पर। ओके, तो मेल के अंदर भी वही सेटअप, मेल के अंदर ही वही चीज़ होगी। फिर लेबल्स होते हैं, लेबल्स की तरह बताएगा यहाँ पर, लेबल की तरह रखना है यहाँ पर, नहीं रखना है तो लेबल की तरह भी मुझे बताएगा। ओके, तो ये होता है हमारा मेल का काम। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे, जैसे कि हम अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ व्यूज के कुछ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैक्रोस आपको पता नहीं चलेगा, अभी मैं मैक्रोस का मतलब होता है कि जो भी लिखा है मैंने। ओके, मैं नया पेज ओपन करता हूँ, जैसे कि मुझे नया पेज ओपन करता हूँ, जैसे नया पेज ओपन करता हूँ, और जैसे मैं फिर से मैं व्यू पर करके मैं मैक्रो बता मतलब मैक्रो बुलाऊँ, मतलब व्यूज मतलब मैक्रो को मैं रिसीव करूँ, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, जो भी मैं लिखा है वो एज इट इज सेम आ जाए। तो ये काम होता है मैक्रोस का। ज़्यादातर कंपनी जो बड़ी बड़ी रिलायंस कंपनी होती है उसके इंप्लॉयज होती है, जो एक न्यूज़पेपर्स वगैरह, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है, इस सिस्टम को यूज़ करती है क्योंकि उनका टाइम बचे। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप एंटर कर सकते हो अपना मेल। ओके, तो आपको पता चल गया होगा।
ओके, ई मेलिंग्स के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकती हो। तो मेलिंग का काम होता है कि एक पहले लेटर बना दो, फिर उसको 100 हो 200 हो 500 जितने भी हो उसका एक लिस्ट बनाओ। ओके, और लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट को सेव कीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी और लेटर बनाते हो तो लिस्ट ज़्यादातर ऑफिस से बनानी ना पड़े। तो ये जो आप मेलिंग करोगे तो कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। ओके, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये पूरा हमारा जो है मेल जो है वो मतलब हमारा लेटर जो होता है मेल होता है वो उसी तरह से एस टी जे सी सिस्टम आ जाएगा। ओके, अगर हमें कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी तो आपको मैंने बता दिया कि जो ये मेल का है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मेल करके सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो है। नई वीडियो की जानकारी के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर एमएस ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल पैनल का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़कर हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कम्प्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।